हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो आज नाश्ते में बनाया है आटे का हलवा, जो कि मैंने बहुत टाइम बाद बनाया है और इनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है आटे का हलवा। बचपन से ही इन्होंने खाया है तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस आज इसीलिए बना लिया। और बस अभी हो गया है दोपहर का टाइम और मौसम तो बहुत ठंडा है, तो बस इसीलिए आज मैंने सोचा चलो चूल्हे पर ही बनाते हैं। कल भी जो है ना पराठे यहीं पर बनाए थे, तो फिर आज मन किया चलो आज चूल्हे पर ही बना लेते हैं, क्योंकि कोयले तैयार करना रहते हैं। कल भी मैंने इसी वजह से, क्योंकि दोनों काम हो जाते हैं, खाना ही बन जाता है और जो तापने के लिए कोयले भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लाइट की अभी हमारे यहाँ शॉर्टेज चल रही है इसी वजह से। तो बस आज खाने बना रही हूँ मैं गोभी आलू की सब्जी सूखी वाली। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था, प्याज डाल दी है जीरे के साथ, और प्याज को फ्राई करने के बाद उसके बाद मैं डालूँगी अदरक और लहसुन। मतलब अदरक को मैंने कूट लिया है और लहसुन को कट कर लिया है, इस तरीके से बना रही हूँ मसाला बिना पीसे हुए। तो और बहुत ईजी रेसिपी है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी। और मौसम साथ ही साथ मैं दिखा देती हूँ, मतलब कोहरा छाया हुआ है और ऐसे मौसम में चूल्हे पर खाना बनाना अच्छा भी लगता है, लेकिन सर्दी तो लगती है क्योंकि थोड़ा सा ये लगता है खुले में बैठना पड़ेगा, लेकिन ये चूल्हे के पास काम करते तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है, अच्छा लगता है। और यहाँ मैं सूरज को दिखा रही थी कि सूरज कैसा लग रहा है, जैसे कि चांद निकलता है ना सफ़ेद, वैसा ही सूरज लग रहा है। यहाँ अंकल बैठे हुए हैं तो अंकल ना सारे दिन मतलब यहाँ बैठे रहते हैं बेचारे, और यहाँ पर आग जलाते रहते हैं क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा है कि बिना आग के तो कोई बाहर बैठ ही नहीं सकता है। तो बस यहाँ पर जो है ना प्याज थोड़ी सी फ्राई हो गई है, और बस इसके बाद अब मैं लहसुन मैंने कट करके रख लिया था, और अदरक तो मैं नीचे से ही कद्दूकस करके लाई थी। और बस यहाँ पर जो है ना बढ़िया सी आग जल रही है, कंडों की ज़रूरत मुझे लगती नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं लकड़ियों से ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि है ना अगर कंडे जलाऊंगी तो वो राख बनेगी, कोयले तैयार तो होंगे नहीं, तो लकड़ी जलाएंगे तभी कोयले तैयार होंगे, तो इसलिए भी मैं लकड़ी से ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे बढ़िया सी हमारी आग चल रही है और सब्जी बना रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो बच्चे अभी ऊपर नहीं आए क्योंकि मैंने नीचे ही बिठा कर रखा, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे, तो इस वजह से भी जो है ना बच्चों को भी नहीं लाती हूँ मैं ऊपर। और चूल्हा जो है ना मतलब थोड़ा सा दीवार के पास रखा है ना, तो इसलिए हवा कम लगती है, लेकिन फिर भी है ना इधर उधर उड़ती है, इसलिए भी थोड़ा सा टाइम यहाँ पर, मतलब चूल्हे पे ये भी है थोड़ा टाइम भी लग जाता है, जल्दी खाना नहीं बन पाता है, क्योंकि अगर हवा ना चले तो ये जल्दी बन जाए, लेकिन हवा चलती है तो हवा से जो है ना आग इधर उधर भगने लगती है। तो चलिए यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन भी का डाल दिया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको फ्राई किया जिससे उसका कच्चापन निकल जाए, और बस उसके बाद मैंने गोभी डाल दिया। तो गोभी को अच्छे से इसके साथ मैं तलूंगी, क्योंकि वैसे तो ऐसा होता है कि गोभी को जो है ना हम तेल में फ्राई करके फिर सब्जी बनाते हैं, लेकिन मैंने अलग से फ्राई नहीं किया, मसाल मतलब प्याज वगैरह के साथ फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, आलू और जो मसाले में लाई थी सूखे नीचे से वो डाल दिए हैं, सभी चीज़ें एक साथ डाल दी हैं, बार बार डालने से अच्छा है। बस इसको मैंने पानी नहीं डाला, बिना पानी के ही ये बन गई, क्योंकि इसमें टमाटर डले हुए तो टमाटर पानी छोड़ देगा तो बस उसी से ये गल जाएगी। और बिना पानी डाले हुए सब्जी, जो सूखी सब्जी अगर हम बनाते हैं ना और बिना पानी डाले उसको गला दें तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है, पानी से थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ सब्जी हमारी बन के रेडी हो गई है, तो मैं इसको जो है ना एक कटोरे में निकाल ले रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें रखेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। और हाँ, इसमें बाद में मैंने ना मैगी मसाला डाला जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो अभी चलते हैं नीचे और नीचे जाके बनाते हैं। पहले मेरा मन कर रहा कि पूड़ी बना लूँ, पराठे बना लूँ, लेकिन फिर बाद में किया चलो पराठे ही बनाते हैं। तो बस यहाँ पे पराठे सेक लेते हैं, और बस यहाँ पे हमारा बढ़िया सा खाना रेडी है। अब आग जो है ना ऊपर जली थी वो मैं नीचे लेकर आ गई थी, बस आग तापते हुए टीवी देखते हुए बच्चों को खाना खिलाएंगे और हम भी खाना खाएंगे। तो आप लोगों को अगर गोभी आलू की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर कहीं सफ़र पे जा रहे हैं टिफ़िन लेना है तो ये सब्जी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी बज रहे हैं 4:30 शाम के, और मैं आप लोगों से अब डायरेक्ट मिल रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था वीडियो शूट करती, क्योंकि खाना बनाने के बाद बस खाना खाया और फिर कंबल में बैठे हुए थे बिस्तरों में और मूवी देख रहे थे, क्योंकि इतनी सर्दी है ना बहुत ज़्यादा कि अभी तो ना तो सुबह का पता चल रहा है, ना दोपहर का, ना शाम का, और इतनी सर्दी में ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, काम वगैरह। तो बस अभी दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं, तो बस मैंने सोचा अभी आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, और बस दूध लेकर आ गई हूँ। और बस दूध लाने से पहले
मैं 4 बजे निकली रेस्तरां में से, वो भी खत्म हो गई थी। बच्चों को भी मैंने ट्यूशन नहीं भिजाया क्योंकि आलिया बोल रही थी वहाँ पर सर्दी लगती है, तो इसलिए मैंने कहा रहने दो यहीं बैठो आराम से बिस्तरों में। तो बस बर्तन माजी और पानी इतना ठंडा है ना, लाइट ख़राब है तो मोटर चालू नहीं कर सकते, वरना मैं मोटर चला के गर्म पानी से माज लेती हूँ, लेकिन टंकी के पानी से बर्तन माजे तो इतना मतलब जैसे कि गर्मियों में पानी इतना गर्म हो जाता है ना हाथ जलते हैं, सर्दियों में इतना ठंडा पानी है कि हाथ ही नहीं चल रहे, सुन्न हो गए बिल्कुल। तो बस थोड़े से बर्तन थे तो बस साफ करके और फिर मैं दूध लेने आ गई, और लाइट ने मतलब कह नहीं सकते कुछ क्या करें, परेशानी है। चलो चलते हैं घर पे। तो बस अभी फिर से मैं आ गई हूँ ऊपर और फिर से मैं कोयले बनाने ही आई हूँ, क्योंकि पहले तो चूल्हे में आग जला के बना लिए थे लेकिन अब तो कुछ बनाना नहीं है, तो इसलिए मैं तसले में ही आग जलाती है और यहाँ पे ये कोयले जो है ना बस बन रहे हैं। तो फिर से मैं नीचे ले जाऊँ क्योंकि सुबह के जले हुए तो चल गए थे, तो भुन गए ये मतलब आग ख़त्म हो गई। तो बस फिर से जलाने आई हूँ क्योंकि लाइट नहीं है, मतलब लाइट है लेकिन हीटर लाख नहीं है, क्योंकि लाइट जो है ना हमारी दूसरी साइड से डली तो वो दूर से आई है ना, तो उसमें इतना पावर नहीं है, वो सिर्फ बैटरी चार्ज हो सकती है, घर में लाइटें जल सकती हैं, टीवी देख सकते हैं, मतलब हीटर वगैरह नहीं चला सकते, तो बस इन्हीं का सहारा है अभी तो, जब तक डीपी नहीं लग जाती। और साथ में बच्चे भी आए हैं और यहाँ पे जाल भी हमने बंद कर दिया क्योंकि इसमें से हवा जाती है तो पूरा हॉल ठंडा रहता है, लेकिन अब ये ढक दिया है तो इससे थोड़ा सा फ़ायदा है। तो कल ना इसके लिए टीन का टुकड़ा लेकर आएंगे, जो ग्रीन वाली टीन आती है ना, मतलब क्या बोलते हैं टीन सेट जो भी है वो लेकर आएंगे, क्योंकि बारिश भी हो सकती है इस महीने में, बारिश भी होती है, तो इसलिए पहले से ही इंतज़ाम करना ज़रूरी है, तो ठंडक से ही बचाएगा और पानी से। तो अभी तो फ़िलहाल ये ढक दिया है, मतलब चटाई है, इसके नीचे पन्नियाँ लगी हुई हैं, पन्नी ढाक रखी हैं, जो बड़ी वाली पॉलीथीन थी मेरे पास वो, तो अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही इंतज़ाम कर दिया है, तो लेकर आएंगे इसके लिए, बच्चे भी यहीं पर हैं। तो बस अभी ये बन जाए तो नीचे जाए क्योंकि हवा भी चल रही है ना, और बच्चे साथ में आ गए सर। क्या हो गया, क्या हो गया, तो सुन हो गई ना उंगली, ठंडी है ना, ताप ले उस पे, गरम कर ले फिर सही लगेगा, मैं तभी तो कह रही हूँ तुम नहीं मचाओ। हाँ तो वो वाला खेल खेलोगी, इस पे गरम कर लो, गरम कर लो जल्दी से, गरम कर लो फिर वो सही हो जाएगी, ठंडे हाथों में लगती है ना तो ज्यादा लगती है, मतलब थोड़ी सी लगी हुई ज्यादा लगती है। ये हमारे घर का शैतान बच्चा है, ये बहुत दम करता है, लेकिन अभी उससे धो लग रही है। ये आ गए हमारे कोयले, कोयला जापान के लोग क्या बोलते हैं, कोयला। अब हम इसके आराम से तापेंगे और मूवी देखेंगे, अभी बज रहे हैं 5:30। मोजे जल जाएंगे, मोजे से मत कौन करता, तुम हाथ तापो, तुम्हारे घर ठंडे रखे बिल्कुल। मैं तो ऐसे दूर से ताप लेती हूँ। तो बस अभी हो गया है नाइट का टाइम और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, मूवी देख रहे हैं। तो आज इनने जो है ना एक मूवी लगाई है जाह्नवी कपूर की मिली, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब इतनी इमोशनल है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी एक मूवी मैंने बचपन में देखी थी जिसमें छोटी लड़की जो होती है वो स्कूल में बंद हो जाती, तो वही मुझे मतलब याद आ गई और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, मतलब आलिया भी बहुत ज़्यादा ऐसे कर रही थी अब निकल जाए अब निकल जाए, क्योंकि ये एक आइस रूम में जो है ना बंद हो जाती है, तो वो सीन देख कर ना मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब आँखें मतलब ऐसे मतलब ये तो पता था कि निकल जाएगी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना कि ये क्यों हो रहा है, मतलब एक कभी कभी ऐसी मूवी आ जाती है सामने जो कि एकदम इमोशनल टच कर जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैं साथ ही साथ जो है ना धनिया भी साफ़ करती जा रही हूँ, तो हम लेडीज़ ऐसे होती हैं कि हम टीवी अगर देखते हैं तो कुछ ना कुछ अपना काम देकर बैठ जाते हैं। तो बस इनाया की ड्राइंग चल रही है और मैंने आलिया के लिए बनाई थी पकौड़ी आलू की, क्योंकि उसको पकौड़ी खानी थी आलू की, क्योंकि अक्सर स्कूल ले जाती थी, तो अब स्कूल तो अभी जा नहीं रही है, बंद है स्कूल, तो उसने कहा मम्मा मैं पकौड़ियाँ खाऊंगी, तो बस पकौड़ियाँ बनाई।
और मूवी हमारी हो गई है ख़त्म। तो मैं बाहर आई थी देखने के लिए, और जो धनिया पत्ती थी वो मतलब जो डंठल उसके निकले थे फेंकने के लिए, तो बाहर इतना ज़्यादा कोहरा था ना, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो चबूतरा है नीचे का वो भी दिखाई नहीं रहा, और आसपास बिल्कुल भी लाइट वगैरह दिखाई नहीं दे रही है। और ये देखो हमारी बालकनी में भी है कि आलिया धुंधली दिखाई दे रही है। तो बस ये हम लोग बातें कर रहे हैं, और चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।